सुप्रभात बच्चों, मैं आप लोगों के लिए संस्कृत में आपकी जो पहली वीडियो मैंने आप लोगों के लिए बनाई थी उसका आपका आधी वीडियो आधा चैप्टर आपको मैं अब यहाँ पर आपको पढ़कर समझाऊंगी और इसका हिंदी अर्थ भी आपको कराऊंगी। तो आप लोग अच्छे से इसको देखिएगा, अच्छे से समझिएगा। तत्र खलु गृभ्यो निस्तरतः जलप्रभा निर्झरश्च अतिरम्या भवति द्रक्षा जम्बी नारंगम अचोट फलानश्च बहुलम वर्धते तशु तरश्याम दिशि पर्वत राजा हिमालय तिष्ठति हिमाचलतानि तस्यां शिखारणे नित्रां मनोहारिणी अयम शैला भारतवर्षस्य अलङ्कारं उतः पर्वपरसमुद्रय कर्यां तं विस्तीर्णः तत्र औषधं ग्रस्तः उत्तम काष्ठं रत्न प्रभाती भोयोगिनी वस्तुनि मिलन्ति किं बहुना तत्र गमनेन आवयोः महान ज्ञानलाभो भविष्यति। अब मैं आप लोगों को अब इसका हिंदी अर्थ करके समझाऊंगी, आप लोग अच्छे से समझेंगी। मुझे आशा है कि आप लोगों को संस्कृत में भी समझ में आएगा और इसका हिंदी अर्थ भी समझ में आएगा। तत्र खलु गृभ्यो निस्तरतः जल प्रभा निर्झरश्चिरम्या भवति। यहाँ से हिमालय यानी कि पर्वतों से निकलने वाला जो जल है, जल का प्रभाव है, वो झरने के रूप में बहता हुआ बहुत सुंदर यानी कि रमणीय लगता है, मन को हरने वाला होता है। यहाँ पर द्राक्षा जंबीर सेम नारंगम द्राक्षा अंगूर अखरोट सेम नारंगी यहाँ पर बहुत ही अधिक मात्रा में पैदा होते हैं। तशोतरस्यम दिशि पर्वतराज हिमालय तिष्ठति इसके उत्तर दिशा में हमारा हिमालय पर्वतराज उपस्थित यानी कि स्थित है। हिमाच्छादितानि तस्यां शिखराणि नित्रां मनोहारिणि अयं शैला भारतवर्षस्य अलङ्कारभूतः पर्वपरसमुद्राय पर्यन्तं विस्तीर्णः यानी कि बर्फ से ढकी हुई जो शिखाएं यानी कि जो पर्वत श्रेणी है वो हम नित रोज हमारे मन को हरने वाली होती है। जो पर्वत है हमारे भारतवर्ष का अलंकार यानी कि हमारे भारतवर्ष का एक अलंकार यानी कि एक हमारे भारत का बहुत ही सुंदर और उसका एक श्रृंगार माना गया है। पूर्व पर समुद्र पर्यंत विस्तीर्ण और इसके चारों ओर भारत के चारों ओर जो हमारा समुद्र है वो शोभायमान करता है। तत्र औषधम यहाँ पर औषधियाँ प्रस्तर उत्तम काष्ठम रत्न प्रभातिना बहुपयोगिनी वस्तुनि मिलन्ति यहाँ पर औषधि पत्थर उत्तम यानी कि अच्छी किस्म की लकड़ी रत्न प्रभातन यानी कि विभिन्न प्रकार के रत्न भी यहाँ पर मिलते हैं। किम बहुना तत्र गमनेन आवयो क्यों ना हम यहाँ पर इसका हम यात्रा करें और इनके बारे में हम जाने महान लाभ ज्ञान लाभ भविष्यति और हम इसके बारे में बहुत सारा ज्ञान हम अर्जित कर सकते हैं। तो बच्चों आज के इसमें मित्र ने अपने मित्र को पत्र लिखकर ये बताया है कि जो हमारा भारत है उसके बारे में उसकी खूबियों के बारे में उसने उसको बताया है कि हमारे भारत में ये विशेषता है। तो बच्चों मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों के समझ में ये अच्छे से पाठ आ गया होगा, अच्छे से इसका हिंदी अर्थ भी आपके समझ में आ जाएगा। यदि किसी को कोई परेशानी हो तो हमें कमेंट बॉक्स में करके भेजें। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।